चुका हूँ अभी भंडारे के अंदर, भंडारे के अंदर गाइस में। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 9 और गाय में सो के उठ चुका हूँ क्योंकि दोस्तों रात मैंने टेबलेट खाई गोली, उसके बाद दोस्तों मुझे आराम मिल गया, थोड़ा फीवर भी यहाँ पर कम हो चुका है। करीब 2 दिन हो गए कंप्लीट दवाई लेते हुए, आज फिर से दवाई लेकर के जाना है। अब बुखार में थोड़ा राहत है और आपको दोस्तों तिलक दिखाई दे रहा होगा माथे पर, क्योंकि अभी मैं तुरंत ही सो के उठ करके आया हूँ। और क्या करना है अब मुझे, अब थोड़ा फ्रेश होना है क्योंकि कल थी हमारी शादी की सालगिरह। आप लोग दोस्तों ब्लॉग देखना, मैं ब्लॉग को अपलोड कर दूँगा, बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है। आप लोग दोस्तों प्यार और सपोर्ट बना रखें। और सत्यम तो अभी गया तुरंत ही, गाय सत्यम भी बहुत ज़्यादा लेट उठा और वो तो गया स्कूल। सोम कहाँ गया? घूम गया। तो नीतू जी ने अपना काम भी यहाँ पर फिनिश कर लिया, मस्त तरीके से खाना पीना सब बना लिया। और गोपाल कहाँ गया? चलो देखते हैं फिर। काफ़ी दिन के बाद यहाँ पर खेत में घूमने के लिए आया हूँ और हमारे यहाँ पर छोटा भाई मिल चुका है, ठाटू इसका नाम है। पहले इसको ठाटू बोलते थे, क्या नाम है सोना? इसका नाम है संजय, संजय भाई। तो हम आए हैं कहाँ पर अभी, खेत पे घूमने के लिए, और ये भाई हमें मूरी दिलवाएगा क्योंकि मूरी का मन कर रहा है मेरा। अभी दिलवाएंगे, इधर नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, इधर मिलेगी। संजय भाई के खेत में, यहाँ पर संजय भाई के यहाँ पर खेत में ताल लगे हुए हैं, तो उधर फिर तो गाय इधर भी ताल लगे हुए हैं, तो संजय उधर से जा रहा है, हिसाब से जाना, ठाने लग गया आराम से देख के। चल चल ठीक है, ओके ओके लेकर गया। तो अब ये मूरी लाएगा, इसी का खेत है यहाँ पर, यहाँ मूरी लेकर चलते हैं। बढ़िया सी लेना, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सी। तो यहाँ पर संजय मूरी उखाड़ रहा है एकदम, अरे छोटी छोटी है यार, सही कह रहा था। चलो जैसा भी है वो ऐसे दे रहा है, पहले उसने बोल दिया था कि छोटी हैं, तो मैंने कोई नहीं की। तो फाइनली हमारा संजय भाई यहाँ पर मूरी लेकर के आ चुका है, ढेर सारी देख सकते हैं कितनी सारी मूरी लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सुबह, क्योंकि मैंने उधर भी देखा था, उधर भी मूरी नहीं थी, उधर देखा उधर भी नहीं थी। तो संजय बोला कि आओ, मैं फिर यहाँ पर घर पर आ गया हूँ मूरी लेकर के। और यहाँ पर सोम भी आ गया है मस्त तरीके से घेर से, क्योंकि सोम जो सुबह सुबह अम्मा के साथ गया था, अब खा रहा चावल फिर कहाँ आ रहे हो? किन को तो गई तो लेकर गई तक आ गया, तो कोई दिक्कत ना है। ये तो यहाँ पर बैठी हुई, ले मूरी आ गई, मूरी बना लो। बोतल अभी मैं अभी खेत में बैठा हुआ हूँ मस्त तरीके से, एकदम आ रहा था जंगल से। तो यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर कटे हुए नीम का पेड़ मिल चुका है, और यहाँ पर जो लोग अपने काम कर रहे हैं इसके अंदर बारी लगाई जाएगी खेत के अंदर, तो यहाँ से नीम तोड़ते हैं और नीम का दातुन। यहाँ पर नीम की लकड़ी मैंने तोड़ ली है, अब इसे यार दातुन करते हैं, क्योंकि गाय नीम की लकड़ी से दातुन करना बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे जंगल में लोग वह जाते हैं तो नीम की लकड़ी से दातुन कर लेते हैं, इससे क्या होता है, इससे ये होता है जी नीम होता कड़वा। जैसे ही आप कड़वापन करोगे तो आपके अंदर जो भी गंदगी वगैरह होगी वो बाहर निकल के आराम से आ जाएगी, क्योंकि लोग वह डेली बोझ तो करते ही करते हैं, तो आज नीम की लकड़ी भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस मैं तो देसी आदमी हूँ, बिल्कुल विलेज टाइप का आदमी हूँ, कोई भी बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मस्त तरीके से देखो आराम से यहाँ पर बैठा हुआ घूमने आया था सुबह सुबह, क्योंकि मैं लेट उठा था, क्योंकि आप सभी को पता है 2 दिन से दवाई चल रही है। जंगल से घर पे आ गया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं सोम अपनी अम्मा के पास बैठा हुआ मस्त तरीके से। सोम क्या कर रहा है? सोम आ जा, चल मैं खिलाता हूँ, अम्मा काम करने दे। खाते हैं खाना, क्योंकि खाना यहाँ पर रेडी हो चुका है, खाना भी यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। तो खाने में है अरहर की दाल, साथ में है रोटी, क्योंकि मुझे जाना है दवाई लेने, क्योंकि गाय में अभी तो नहाऊंगा नहीं, लाइट नहीं आ रही है, लाइट आएगी उसके बाद मैं पानी गर्म करूँगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा तो दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी, फिर मुझे दवाई लेने भी यहाँ पर जाना है। तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद दवाई लेने चलते हैं, क्योंकि गोपाल तो गया अभी भंडारे में, क्योंकि हमारे गाँव में भागवत हो रही थी जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, आज भंडारा यहाँ पर होगा। तो गोपाल सुबह से ही वहाँ पर भंडारे में काम करवा रहा है, तो मैं भी दोस्तों शाम को जाऊँगा। नीतो जी यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हैं क्योंकि कल की है करवा चौथ, मम्मी जी भी यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही हैं। सोम कहाँ गया? सोम सोम कहाँ है? गाय सोम शांति से बैठा मस्त तरीके से, लाट आ गई, तो गाय लाट आ चुकी है। अब फाइनली मैं यहाँ पर गर्म पानी हो जाएगा, उसके बाद नहाएंगे, फिर चलते हैं दवाई लेने के लिए, क्योंकि इंजेक्शन भी लगना है। और गोपाल आ गया है, देखते हैं खेत में पानी लग गया थोड़ा सा। गो तो मम्मी जी यहाँ पर सोफा उठा दिया है और यहाँ पर दीवारें साफ कर रही है मम्मी जी, और नीतू यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, क्योंकि कल भी त्यौहार है और उसके 10 दिन बाद भी त्यौहार है, दीपावली आ रही है, धनतेरस, त्यौहार ही त्यौहार है। तो साफ सफाई, सत्यम भी स्कूल से आ गया, वो भी काम करवा रहा है, सत्यम देखो पानी भर भर के कमरा साफ करवा रहा है। गाय अभी देखो क्या सीन हो गया है, मम्मी जी साफ सफाई कर रही थी, तुरंत ही सत्यम ने क्या किया कि फेंट की यहाँ पर शीशे में लगी, वो फेंट देखो आँख में मार ली, अब पानी से धुलाई करवाई जा रही है, तो फेंट इसकी आँख में चढ़ रही है, करा जा गया सफाई करो। ये क्या हो रहा है दोनों भाई? सत्यम ने यहाँ पर मेरी बनियानी पहन ली है, ये नारा था, और सोम भी आ गया देखो,
और आंख दिखाना आंख। देखो गाइस इसकी आंख में क्या हो गया, इसने फेंट डाल ली और फिर इसकी अम्मा जी ने पिटाई की है देखो, और ये ठंडे पानी से नहा रहा है। मैं इसकी और पिटाई करूंगा, अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं जाऊंगा दवाई लेने के लिए। गोपाल भी यहाँ पर आ चुका है भंडारे से, सारा काम करवा के। मम्मी भी साफ सफाई यहाँ पर सुबह से कर रही है, वो पूरा घर साफ सफाई किया है। सत्यम भी नहा के तो सोम तो यहाँ पर दूध पी रहा है नहा के आराम से, और सत्यम भी है। सत्यम बताओ दवाई, दवाई यहाँ पर ये रही, इंजेक्शन भी लगना है। सोम को दूध पिला रही हूँ, सोम भूखा था, मैं सारा काम हो गया, मैं सोम को दूध पिला दे और सत्यम भी दूध पी चुका है। सफाई चल रही है गाइस, देख सकते हैं गोपाल यहाँ पर सफाई कर रहा है और तेल डाल रहा है पंखे के अंदर, और मैं यहाँ पर लल्ला को पकड़ा पड़ा। देखो गाइस सोम कितना रो रहा है, क्योंकि ये उसकी मम्मी जी और अम्मा काम कर रही हैं, और देखो ये दोनों भाई मेज के नीचे घुस गए। देखो तुझे ने सुबह से काफी ज्यादा मेहनत किया, साफ सफाई किया, लिपाई चल रही है यहाँ पर मस्त तरीके से। भंडारा खाया है सत्य, भंडारा खा के आ गया, मैं भी जा रहा हूँ अभी भंडारे के अंदर। भंडारे के अंदर गाय में खाना यहाँ पर खा रहा हूँ, प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, यहाँ भागवत का पूड़ी और सब्जी है मस्त तरीके से। तो पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद चलेंगे बाजार में दवाई लेने के लिए। तो गोपाल भी आ चुका, गोपाल भी पसवा भाई मेरा भी बुखार देख सकते हैं, 99 पॉइंट यहाँ पर है, बुखार है करते हैं। लल्ली जो है खाना में आओ ना, तो उर्वशी यहाँ पर ढोल बजा रहे हैं, उर्वशी बजाओ धूम धूम धूम, और हमारे बुआ यहाँ पर नाचेगी थोड़ी देर में, बजा लल्ली, और बाबा भी डांस करेंगे। इंजेक्शन लगवाया, बहुत ही हैवी वाला इंजेक्शन लगा दिया बाबा ने, मेरी हालत ख़राब हो गई गाइस, एक से एक घंटा हो गया नेट यहाँ पर लेते लेते। बाबा जी हंस रहे हो, कल मैं सुबह आऊँगा 8 बजे और फिर दवाई चलाना ठीक है गाय। अब ऐसे काम में चलेगा, बोतल में डलवाने के बाद ही लगवाऊंगा, तभी मुझे आराम मिलेगा, उससे पहले आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दवा ऐसे ही है जूस, क्योंकि दोस्तों चक्कर आ गई मुझे, बहुत ही ज़्यादा हैवी इंजेक्शन था, कल फिर से आना है। तो यहाँ पर 1.5 किलो जूस यहाँ पर करवा लिया, तब तो जो शरीर में थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, आराम भी मिल जाएगा। घर पर आ गए हैं, और यहाँ पर सत्यम क्या कर रहा, देखो अभी से बिस्तर लगा के मस्त तरीके से सोने लग रहा है। यहीं पर सोएगा लेट गया है, आज लगता है इसकी मम्मी ने पिटाई कर दी, क्योंकि मम्मी जी में इसमें लड़ाई हो रही थी काफी ज्यादा। बाबा कब से लेटा यहाँ पे, दही मेरी सोम ने देखो नाक पकड़ ली, देखो भाई सोम देखो क्या कर रहा है, नाक पकड़ रहा। तो गाय यहाँ पर देखो सुबह मेरा नाड़ा ऐच रहा है, देखो पल्लू भर का, देखो देखो बड़ा मज़ा आ रहा है, देखो यार देखो नीतू जी यहाँ पर यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, सुबह से नाड़ा ऐच के फोन को आनंद आ रहा है, मस्ती कर रहा है सुबह में आराम से, फिर थोड़ी देर में रोएगा जब। अब सत्यम भी आ गया, देखो सत्यम तो रख के आया, सत्यम दावत खा के आएगा, 2 बार रख के आ गया है और 2 बार दावत खा ली सत्यम ने, पहले गोपाल साहब खा के गया और अभी घर पर आया फिर खाई। और सोम को देखो सोम कर रहा है, मैं भी खाऊँगा। देखो भाई ये क्या हो रहा है, देखो देखो ये क्या हो रहा है, देख सकते हैं सत्यम पुच्छी कर रहा है अपनी मम्मी को, फोम भी कर रहा है। हाँ पेपर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप सभी को और मेरा ब्लॉग पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू मेरे भाई को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।